दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि शादी में ब्राइड को ही किडनैप कर लिया जाए, या फिर क्या कभी आपने ऐसी वेडिंग रिचुअल के बारे में सुना है जिसमें मैरिड कपल को शादी के 3 दिन तक बाथरूम ही यूज नहीं करने दिया जाता? और क्या आपने कभी ऐसी वेडिंग रिचुअल के बारे में सुना है जिसमें शादी के दिन ही कपल को हंसने की कोई परमिशन नहीं होती? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की 11 सबसे अजीबोगरीब रीति रिवाज जो कि शादी से जुड़े हुए हैं। इन वेडिंग ट्रेडिशन के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो बिना देरी के। नंबर 11, ब्राइड किडनैपिंग। दोस्तों, हम अक्सर शादी से जुड़े अजीबोगरीब रीति रिवाज के बारे में सुनते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसी शादी के रिवाज के बारे में सुना है जिसमें ब्राइड को ही किडनैप कर लिया जाता हो? सही सुना आपने दोस्तों, रोमानिया में दुल्हन को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रोमानिया में कोई शादी में शामिल हैं और दुल्हन गायब हो जाती है तो इसमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि लड़की को उसी के घर वालों ने किडनैप किया हुआ है और दूल्हे को उसे छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करना होता है, फिर चाहे वो उन्हें पैसे देना हो या ब्राइड के लिए कुछ रोमांटिक करना हो। नंबर 10, स्पिटिंग ऑन द ब्राइड ड्रेस। ब्राइड की नई नवेली ड्रेस पर थूकना, भला ये कौन सा रिचुअल हो सकता है? पर दोस्तों, केनिया में एक ऐसा रिवाज है जिसमें शादी के बाद ब्राइड के पिता उसकी ब्राइडल ड्रेस पर ही थूकते हैं। सही सुना आपने। अब भला आप ही बताइए कि आपको कैसा लगेगा कि आप उसकी ब्राइडल ड्रेस पर कोई थूके जिस पर अपने हजारों रुपए खर्च किए हों। पर दोस्तों, केन्या में अक्सर ब्राइड के फादर अपनी बेटी को गुड लक देने के लिए ऐसा करते हैं। माना जाता है कि इससे वो अपनी बेटी को रिस्पेक्ट शो करते हैं और ऐसा करने से उनकी बेटी की शादी को किसी की नजर ही नहीं लगती। नंबर 9, द ग्रूम गेट्स हिज शूज स्टोलन। दोस्तों, अब इस हिंदू रिवाज के बारे में तो हम सभी को पता ही होगा, भले ही ये हमारे लिए आम बात हो, पर दुनिया में बाकी देशों में रहने वाले लोगों के लिए ये ट्रेडिशन बिल्कुल भी आम नहीं है। दोस्तों, एक ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग में वेडिंग सेरेमनी के वक्त ब्राइड के सिस्टर दूल्हे के जूते चुरा लेते हैं और वेडिंग सेरेमनी के बाद अपने जूते वापस लेने के लिए दूल्हे को ब्राइड की सिस्टर को पैसे या गिफ्ट देना होता है। दोस्तों, ये ट्रेडिशन फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ाने और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए मनाया जाता है। नंबर 8, द ब्राइड प्रैक्टिसेस ए क्राइंग रिचुअल। दोस्तों, विदाई में रोना तो आम बात होती है, पर क्या आपको पता है कि चाइना में ब्राइड्स को शादी के 1 महीने पहले से ही रोने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? माना जाता है कि तुजिया ब्राइड को हर दिन 1 घंटा रोना होता है। इस रिचुअल के शुरू होने के 10 दिन बाद ब्राइड की मदर भी उसे रोने में ज्वाइन करती है और आगे के 10 दिन बाद ब्राइड की ग्रैंड मदर इस रिचुअल में रोने के लिए ज्वाइन करती है। नंबर 7, नो बाथरूम फॉर 3 डेज स्ट्रेट। दोस्तों, सोचिए अगर आपको बोला जाए कि आपको अगले 3 दिन तक बाथरूम जाने को नहीं मिलेगा तो आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मलेशिया और इंडोनेशिया में कई लोग वेडिंग में ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जिसमें ब्राइड और ग्रूम को शादी के पूरे 3 दिन तक घर से नहीं निकलते हैं। इसी के साथ साथ 3 दिन तक उन्हें बाथरूम नहीं जाने दिया जाता है और उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत कम चीजें दी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ट्रेडिशन ब्राइड और ग्रूम से जुड़े सभी बैड लक को भगाने के लिए किया जाता है और मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी शादी फ्यूचर में टूट सकती है या फिर उनके बच्चों की डेथ भी हो सकती है। नंबर 6, सिंगल लेडीज सीक लव इन द केक। दोस्तों, पेरू के इस वेडिंग ट्रेडिशन को सभी सिंगल लेडीज जरूर पसंद करेंगी। एक ट्रेडिशनल पेरुवियन केक की साइड्स में रिबन्स मौजूद होते हैं। हर रिबन केक के अंदर एक चार्म से अटैच्ड होता है। हालांकि इन सभी रिबन्स में से एक रिबन से असली वेडिंग रिंग के जैसे ही दिखने वाली हूबहू रेप्लिका वेडिंग रिंग जुड़ी हुई होती है। जिस भी लड़की को ये रिंग वाली साइड का पीस ऑफ केक मिला, माना जाता है कि उसी लड़की की शादी अगले नंबर पर होगी। नंबर 5, द ब्राइड चार्जेस यू टू डांस विथ हर। दोस्तों, अब हम बाकी देशों के अलग अलग रीति रिवाजों का तो नहीं पता, पर क्यूबा के इस ट्रेडिशन के बारे में सुनकर सभी लड़कियां जरूर खुश हो जाएंगी, क्योंकि इस ट्रेडिशन में क्यूबा की शादियों में ब्राइड्स का अपने गेस्ट के साथ डांस करना तो आम बात है, पर यहाँ जो भी आदमी ब्राइड के साथ डांस करता है उसे ब्राइड की ड्रेस पर पैसे पिन करने पड़ते हैं और ऐसा करना मैंडेटरी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये करने से ही कपल अपनी शादी और हनीमून के पैसे पे करते हैं। नंबर 4, द न्यूली वेड्स सीक्रेटली लीव द पार्टी। दोस्तों, वेनेजुएला में वेडिंग्स के दौरान ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जिसमें न्यूली मैरिड कपल शादी से बिना बताए चले जाते हैं जिससे किसी को पता ना चले, बिना गेस्ट को गुड बाय बोले। शादी से चुपचाप चले जाने का यह ट्रेडिशन भले ही सुनने में थोड़ा सा वाइड लगे, पर वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से न्यूली वेड्स कपल की जिंदगी में गुड लगाता है और सब कुछ अच्छा होता है। नंबर 3, गेस्ट आर गिवन स्पेशल स्टोन्स टू होल्ड। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन वेडिंग में यूनिटी बॉल का ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है जिसमें शादी में गेस्ट के अराइवल पर उन्हें कुछ खास तरह के पत्थर दिए जाते हैं। गेस्ट इन स्टोन
उनको पूरी शादी के दौरान संभाल कर पकड़ के रखते हैं। वेडिंग सेरेमनी के कंप्लीट होते ही सारे गेस्ट इन स्टोन्स को एक सजे हुए सुंदर बॉल में रख देते हैं। शादी के बाद कपल इस बॉल को अपने घर में सजा कर रखते हैं। माना जाता है कि इस तरह से शादी में आए गेस्ट न्यूली वेड कपल को गुड लक देते हैं। नंबर 2, किसिंग द ब्राइड। दोस्तों, स्वीडन में कई बार शादियों में एक यूनिक वेडिंग ट्रेडिशन मनाया जाता है जिसमें दूल्हे को शादी के दौरान गायब कर दिया जाता है और इस समय ब्राइड अकेले होती है। ऐसे में शादी में जितने भी यंग और सिंगल आदमी मौजूद होते हैं वो ब्राइड को किस कर सकते हैं। सही सुना आपने दोस्तों, और ठीक ऐसा ही दूल्हे के साथ भी होता है जिसमें सारी कुंवारी लड़कियां दूल्हे को ब्राइड के मौजूद न होने पर किस कर सकती हैं। सुनने में भले ही ट्रेडिशन बिल्कुल अजीबोगरीब लग रहा हो पर यही स्वीडन में सच में शादियों के दौरान होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एक हैप्पी मैरिज की सही शुरुआत है या नहीं? नंबर 1, नो स्माइल ऑन द वेडिंग डे। दोस्तों, सोचिए आपको कैसा लगेगा जब आपको अपनी ही शादी में हंसने की इजाजत ना मिले। तो शायद आपको भी ये सुनकर बेहद गुस्सा आएगा क्योंकि हमारी शादी का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन माना जाता है। पर दोस्तों, कांगो में नहीं, कांगो में रहने वाले लोग कुछ ऐसे रिचुअल मानते हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और उन्हीं रिचुअल में से एक होता है शादी के दिन ना हंसने का रिचुअल, जिसमें दूल्हा दुल्हन समेत सभी गेस्ट को हंसने की इजाजत नहीं होती है। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर शादी प्यार से ज्यादा एक सीरियस अफेयर मानी जाती है, जहाँ पर ब्राइड को पैसे के बदले एक्सचेंज किया जाता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा ट्रेडिशन आपको सबसे अच्छा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।